हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पंजाबी व्याकरण का क्लास सिक्स का थर्ड चैप्टर है अक्षर जा वर्णबोध। अक्षर जा वर्णबोध की होंगे, वर्णबोध नू व्याकरण का पहला भाग मन्या गया है। इस विच भाषा नू लिखती रूप दे लई कुछ चिन्हों की वरतों की जाती है। इन्हां चिन्हों नू अक्षर जां वर्ण कहिंदे हन। अपनी भाषा नू लिखण लई कुछ चिन्ह हुंदे ने, उन्हां दे चिन्हों की जदों वरतों की जाती है उन्हां चिन्हों नू की कहा जाता है, अक्षर जां वर्ण कहिंदे ने। भाषा नू लिखती रूप देण लई वरते जाण वाले चिन्हों नू की कहा जाता है, अक्षर जां वर्ण कहिंदे ने। बेटा ये देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, अक्षर या फिर की कह सकते हैं वर्ण। जैसे आप क्या है, ये उड़ा आड़ा ईड़ी ससा हाहा कक्का खखा गग्गा कग्गा अइया चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा अइया टैंका ठठा डड्डा टड्डा नाना तत्ता थत्था दद्दा तद्दा नन्ना पप्पा फफा बब्बा पब्बा मम्मा यैया रारा लल्ला वावा राड़ा ससे पैर बिंदी शै खखे पैर बिंदी खै गगे पैर बिंदी गै जिजे पैर बिंदी चै फफे पैर बिंदी फै लल्ले बिंदी। ये सारे के सारे क्या हैं, अक्षर हैं। इन अक्षरों को आपको बोलना आना चाहिए। अक्षर किन्ने तरह के होंगे है, अक्षर दो तरह के होंगे है, स्वर ते व्यंजन। स्वर अक्षर केड़े होंगे नेंगे, जेड़े अक्षरां नूं उचारदे समय उच्चारण अंग सां नूं कोई रुकावट नहीं पाउंदे अते बिना किसी की सहायता नाल बोले जाते हैं, उन्हां नूं की कहा जाता है, स्वर कहिंदे नेगे। जदों असीं अजिहे स्वर का नाम लैंदे हाँ, अजिहे अक्षरां का उचारण करते हाँ जिन्हां का उचारण करते समय सां नूं कोई रुकावट नहीं आती, उन्हां नूं की कहा जाता स्वर। उड़ा आड़ा इड़ी आपां आराम नाल बोल लेंदे, तीन अक्षर नेंगे, ठीक है। ये कदे भी मुक्ता दे रूप विच नहीं वरते जा सकते। इन्हां तीन अक्षरां नाल केवल दस लगां लगदियां हन, जिन्हां दे लगां नाल स्वर अक्षरां तो स्वर मुहानी बनते हैं। जिवें अक्षर है ये स्वर मुहानी है, बस आप ये देख लो लगां दे नां की नेंगे। मुक्ता, मुक्ता मीन्स कोई चिन्ह नहीं। कन्ना ये वाला चिन्ह है, सिहारी ये वाला चिन्ह है, बिहारी ऐसे लगाओगे आप। ओंकड़ ग्लैंकड़ लावा, लावा एक होंगी गुलावा दो होड़ा कनोड़े दे विच एक छोटा जा लाइन खिंच दो उन्हें बोलते हैं कनोड़ा। ये सानू पता होना चाहिए लगां ते लगां दे ना कि बिहारी की होंदी है सियारी किवें पाउने असीं। व्यंजन, व्यंजन वो अक्षर होंदे हन जिन्हां नूं उचारदे समय अंग सां नूं कुछ रुकावट पाउंदे है। इस तरह जीभ कदे दंदां दे अंदरले पासे लगदी है, कदे तालू दे उपर लगदी है, कदे नीचे लगदी है, कई बार बुल कुछ मिटे जांदे ने, उहनां नूं की कहिंदे है, व्यंजन कहते हैं। जिन्हें बोलने लिए प पप्पा बोलने हैं, दोनों लिप्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। उसके बाद व्यंजन दो प्रकार के होंगे ने, नासकी व्यंजन जिन्हें अक्षरों की आवाज़ बोलन समय नक् विचों होकर निकलती है उन्होंने की कहते हैं, नासकी व्यंजन। जो आवाज़ नक् चो के निकलती है उन्होंने की बोलते हैं, नासकी व्यंजन। जिमें अइया अइया ना ना नन्ना ममा। साधारण व्यंजन इन्हां पंज अक्षरां नूं छड्ड के बाकी सारे अक्षर की हुंदे है, साधारण अक्षर हुंदे है। जिवें ऊड़ा आड़ा ईड़ी ससा। दूत अक्षर जां व्यंजन केड़े हुंदे, दूत अक्षर वह हुंदे ने जिन्हां नूं दूजे अक्षर दे पैर विच पाया जांदा है। ये तीन तरह के हुंदे है, जिवें रारा हाहा वाहवा। यह तीन अक्षर ने गे जेडे किसी शब्द जब लिखा जाता है तो इन्हों पैर च पाया जाता है। जिमें प्रकाश दिख रहे हो पैर च, हाहा गड़ जड़ पड़।
उसके बाद ये देख रहे हो बाबा कैसे करके पैरों में डाला हुआ है।